या इस मायने में कि एक क्रांतिकारी बजट है कि इसके केंद्र में गरीब, किसान और बेरोजगार युवा हमारे प्राथमिकता में है। आपने देखा बजट में हर नागरिक को अब 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य लाभ देने का भी, स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी प्रदान सरकार ने करने का निर्णय लिया है। विधवा होने का कोई उम्र सीमा नहीं होता। कई दुर्घटनावश ऐसी घटनाएं घटती हैं, कम उम्र में ही महिलाएं विधवा हो जाती हैं। इन सभी विधवाओं को और इन 50 साल के सभी बुजुर्गों को राशन उपलब्ध कराने का सरकार ने निर्णय लिया। हमने राज्य के बेरोजगार नौजवानों को, जिन्होंने बीए और एमए किया है, उसको क्रमशः 5,000-7,000 देने का निर्णय लिया है। प्रतिवर्ष सहयोग राशि देने का निर्णय लिया है। ये राशि ये जो हम लोग सहयोग राशि दे रहे हैं, ये सहयोग राशि ही रोजगार नहीं है। हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना हमारा लक्ष्य है। ये एक सहयोग राशि के रूप में हम लोग सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वो अपने आने वाले समय में किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन में, कहीं पर भी अपना फॉर्म भरने के लिए, आने जाने के लिए उसका उपयोग कर सके। हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि किसानों का कर्जा माफ होगा, और माफ करने की दिशा में पहले चरण में हम लोगों ने 50,000 रूपये तक का ऋण माफ करने का निर्णय लिया है।